फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाजवाब जायका। आज हम शेज़वान चटनी की रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं, जो आप मार्केट से लेके आते हैं, इसे आप घर में भी बना सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए। हमने सॉस बनाने के लिए दो मिर्ची का यूज़ किया है। ये तीखी वाली मिर्ची है, इसे देगी मिर्ची बोलते हैं। इसे बीच में से तोड़ के इसकी सारी बीजें निकालना है। ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, इसे भी बीच में से तोड़ के इसकी सारी बीजें निकाल लेना है। हमने दोनों मिर्ची 50-50 ग्राम लिया है। इसे गर्म पानी में सोख करके रखना है आधे एक घंटे के लिए। इससे बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, स्मूथ पेस्ट बन जाएगा इसका। हमने हरा धनिया के स्टेम यूज़ किया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। शेज़वान सॉस में सेलेरी का यूज़ करते हैं, हम हरा धनिया के स्टेम यूज़ करने वाले हैं। हमने पहले से ही इसका स्मूथ एक पेस्ट बनाया है, इसका कलर देखिए बहुत ही अच्छा आया है। हमने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। हमने एक कप लहसुन चॉप किया हुआ है, 2 टेबलस्पून अदरक चॉप किया हुआ है, थोड़ा सा हमने हरा धनिया का स्टेम यूज़ किया है, ये ऐड कर देंगे इसमें। इसे भून लेंगे, हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए ये भून गया है, अब इसमें हम मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे हमें स्लो फ्लेम पे भूनना है। इसमें हमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। इसे और अच्छे से हमें भूनना है पानी डालने के बाद। ये देखिए अच्छे से भून गया है, इसे साइड से ऑयल छूट गया है।
अब इसमें हम 4 टेबलस्पून केचप ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून डार्क सोया सॉस ऐड कर देंगे। टू टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून वाइट विनीगर ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से यूज़ कीजिए। इसमें चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ होता है, मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें पानी ऐड करके एक बैटर बनाया है, इसे ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से भुनना है ठीक होने तक के। ये देखिए हमारा शेजवान सॉस बनकर रेडी है, अब इसे हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।